हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रियश्री राव एंड वेलकम टू पिंक फॉरेस्ट विला। आज मैं बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के लिए आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो बेसिकली लेके आई हूँ, एंड दैट इज़ फॉर क्रीम, इज़ गो लाइट क्रीम। आप में से बहुत सारे लोगों ने गो लाइट क्रीम के बारे में मुझसे जाना चाहा था और मैं टाइम दर टाइम इसको डिले ही कर रही थी, बट आज इस वीडियो के अंदर मैं इस क्रीम के रिलेटेड सारी जानकारी आप लोगों को देने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं या फिर यूज़ करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस सबसे पहले इसकी पैकेजिंग के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बारे में हम डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो दिस इज़ अ बेसिकली गो लाइट क्रीम एंड ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग के साथ आता है। इट्स अ नॉर्मल काइंड ऑफ अ पैकेजिंग एंड बेज एंड वाइट कलर की पैकेजिंग है। वेल, प्राइस मुझे कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा ज़्यादा लगा, 500 रुपीज़ इसका प्राइस है और ये डिस्काउंट पर भी आपको अमेजोन पर नहीं मिलेगा, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। आई डोंट नो कि केमिस्ट की शॉप पर ये जो है मिल जाएगा नहीं, बट मैंने फार्मेसी पर देखा था और मैंने जो है नेटमेट पर भी देखा था, तो वहाँ पर भी मुझे जो है डिस्काउंट पर नहीं मिला है। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो ये चीज़ आप ब्रेन में रखिए कि डिस्काउंट पर नहीं मिलेगा। अंदर से मैं अगर आपको क्रीम दिखाऊं तो इट्स लाइक अ वेरी वेरी छोटू सा क्रीम, इतनी बड़ी जो है पैकेजिंग के अंदर इन्होंने जो है बहुत ही छोटी सी क्रीम अंदर डाली है, और वो जो क्रीम है वो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। दिस इज़ अ गो लाइट। अब जो क्रीम है वो 15 ग्राम की क्रीम है, विच इज़ लाइक दैट्स वाई आई एम सेइंग कि इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा लगा मुझे। 500 रुपये की क्रीम और 15 ग्राम में आपको क्वान्टिटी मिलती है। एंड ये जो गो लाइट क्रीम है, ये है नेचुरल स्किन क्रीम विद सनस्क्रीन, तो इसके अंदर सनस्क्रीन भी डाला गया है। जैसे कि आपको पता चल ही गया है कि इसके अंदर सनस्क्रीन डाला है, तो ये डे क्रीम हो जाता है, एंड ऑल्सो आप इसको नाइट के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। गो लाइट क्रीम को बहुत सारे लोग जो स्किन वाइटनिंग के लिए जो है परचेज करवा रहे हैं ऐसा, बट इसके इंग्रेडिएंट जब मैंने पढ़े और मैंने देखा तो दिस इज नॉट फॉर द स्किन लाइटनिंग, बट दिस इज फॉर द बेसिकली फॉर मेलाज्मा, हाइपरपिगमेंटेशन, एंड अगर आपको डिस्कलरेशन की शिकायत है, अनइवन स्किन टोन है, देन ये क्रीम आप लोगों के लिए है। तो जो ये क्रीम है इसको बहुत सारे लोग जो है स्किन लाइटनिंग के लिए जो है बोल रहे हैं, मैंने कुछ एक वीडियो देखी थी, बट दिस इज नॉट फॉर द स्किन लाइटनिंग क्रीम। दिस इज बेसिकली जो है अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन की शिकायत है, आपको मेलाज्मा की शिकायत है, आपको डलनेस है, आपकी स्किन अनइवन है, या फिर आपको ब्लेमिशेस की शिकायत है, तब आप इस गो लाइट क्रीम को यूज़ करोगे, एंड इसको जो आप डे टाइम के अंदर यूज़ करोगे क्योंकि इसके अंदर सनस्क्रीन भी ऐड है। हालांकि सनस्क्रीन ऐड होने का मतलब ये नहीं कि आप इसको रात टाइम में यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मेलाज्मा है, बहुत ही ज़्यादा डिस्कलरेशन है और वो मतलब जिद्दी जैसा है, वो जा नहीं रहा है, तो डेफिनेटली आप इसको नाइट टाइम में भी यूज़ कर सकते हो, और तो आप इसको दोनों टाइम यूज़ कर सकते हो। जब मैंने इसके इंग्रेडिएंट देखे तो मेरे को पता लगा इसके अंदर कहीं ना कहीं हाइड्रोक्विनोन भी डाला गया है, तो ये जो है पूरी तरीके से सेफ तो नहीं बोल सकते, बट इसके अंदर हाइड्रोक्विनोन का जो दूसरा डेरिवेटिव वो डाला गया है। एंड ये जो क्रीम है ये इतना अच्छा काम नहीं करती है, मैं आपको सच बताऊं। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन है, मेलाज्मा है और वो जा नहीं रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि जस्ट गो टू द डॉक्टर एंड कंसल्ट योर डॉक्टर, तो वो आपको डिफरेंट जो है हाइड्रोक्विनोन एंड उनको देख रेख निगरानी में आप करोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके मेलाज्मा हाइपर पिगमेंटेशन के लिए। बट अगर आपको अनइवन स्किन टोन है, आपको ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है, या फिर जो है आपको इस तरीके की प्रॉब्लम है लाइक थोड़े मोटे दाग धब्बे हो गए आपके, या फिर आपके माउथ के अराउंड डिस्कलरेशन है जो इतनी ज्यादा नहीं कि आपको तकलीफ दे रही है, बट somehow आप उसको हटाना चाहते हो, then this go light cream somehow work, ठीक है ना, उन सब चीजों पे अच्छा काम करती है। बट ये जो है इतना ज्यादा महंगा क्रीम है, मैं तो इसको रेकमेंड नहीं करूंगी, बट जस्ट फॉर लाइक अनइवन स्किन टोन एंड ऑल। उसके अलावा और भी चीजें मार्केट के अंदर है जो आप ले सकते हो, बट ये स्किन लाइटनिंग क्रीम नहीं है, ये कभी भी लाइटनिंग आपको नहीं देगी स्किन की। वेल, ये जो स्मेल है ये पूरी तरीके से जो है हाइड्रोक्विनोन जैसा स्मेल करता है, स्मेल इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मुझे पसंद नहीं आई बेसिकली। और जो लोग भी इसको स्किन वाइटनिंग के लिए प्रमोट कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि स्किन वाइटनिंग क्रीम है और ये वाइटन अप करेगा। 500 रुपीज़ आप इस पर खर्च करोगे 15 ग्राम के लिए, तो 500 रुपीज़ और मिला के आप प्रीडा खरीद लो अगर आपको स्किन वाइटनिंग ही चाहिए। तो उसके साथ साथ प्रीडा के अंदर आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी मिल जाती है, लाइक आपके पिंपल्स वगैरह भी ठीक होते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन एंड मेलाज्मा उससे भी ठीक हो जाते हैं। तो गो लाइट को स्विच करने से पहले आप देख लें कि आप किस पर्पज के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। ये स्किन लाइटनिंग क्रीम नहीं है, दिस इज़ फॉर द मेलाज्मा एंड फॉर द हाइपर पिगमेंटेशन काइंड ऑफ अ स्किन, तो वो लोग इसको यूज करें। अगर आपके पास बजट नहीं है एंड स्टिल यू वॉन्ट टू ट्राई दिस आउट, तो आप डेफिनेटली आप प्रीडा वगैरह नहीं खरीद पा रहे हो तो आप इस गो लाइट को परचेज कर सकते हो, तब तो ये काम करेगा ही। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये क्रीम भी जो पैराबिन एंड जो है पैथलेट्स फ्री है, तो ये कुछ खास अच्छी बात है इनकी। इनका जो दावा है वो है 3 मंथ्स का, आपको 3 मंथ्स कंटिन्यू ये जो क्रीम है यूज करनी पड़ेगी फॉर मेलाज्मा एंड हाइपर पिगमेंटेशन।
क्रीम के पैकेजिंग के ऊपर पर्टिकुलरली लिखा गया है दिस इज़ फॉर द मलाजमा एंड हाइपरपिगमेंटेशन। इसके ऊपर कहीं से भी जो है स्किन लाइटनिंग क्रीम नहीं लिखा गया है। तो इसकी जो है नाम से आप जो है इतना मतलब अपने आप को ट्रिगर मत करो कि ये स्किन को लाइटन अप करेगी, बट इट हैज़ अ हाइड्रोक्विनोन समहाउ, देन ऐसा हो सकता है कि आपकी स्किन कहीं ना कहीं लाइटन अप हो जाए। बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं है, बिकॉज ओवर द काउंटर जो है 2% तक ही आप जो हाइड्रोक्विनोन सेल कर सकते हो, एंड डॉक्टर के रिकमेंडेशन से 4% तक हाइड्रोक्विनोन आप लगा सकते हो। तो इसके अंदर इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं है। मैं अगर यहाँ पर देख के बताऊँ तो इन्होंने परसेंटेज यहाँ पर नहीं लिखा गया, बट सारे इंग्रेडिएंट आपको दिखाई देंगे कौन से कितने परसेंट है वो नहीं, क्योंकि हाइड्रोक्विनोन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम है, बिकॉज वो सबसे नीचे डाउनवर्ड्स के अंदर है। तो डेफिनेटली इतनी ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोक्विनोन नहीं है, इसीलिए इसको टाइम भी ज़्यादा लग रहा है आपके मलाजमा एंड हाइपर पिगमेंटेशन के ऊपर जो है काम करने के लिए। वेल मेरी तरह से ये क्रीम ठीक ठाक क्रीम है अगर आपको जो है मलाजमा एंड हाइपर पिगमेंटेशन के ऊपर लगानी है तो, लेकिन मेरा ये दावा रहेगा कि अगर आप 500 rupees ही पे करना चाहते हो देन प्लीज़ गो टू योर डॉक्टर, नियरेस्ट डॉक्टर एंड डर्मेट के पास जाइए फॉर दोज कंसर्न। ओके, सो दिस इज़ द फुल रिव्यू ऑफ गोलाइट क्रीम, एंड डिफरेंट डिफरेंट आप वीडियोज़ ट्राई कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हो कहाँ से आप इसको परचेज करोगे, उसके लिंक्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी आप लोगों के लिए, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, बाय बाय।